हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचली व्लॉग फायर। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ अमृत उद्यान की, जिसका पहले नाम था मुगल गार्डन। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ से है हर्बल गार्डन की, और इस गार्डन में आपको विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और हर्ब्स दिखेंगे, जिनमें से कुछ के नाम आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। आपको यहाँ पे QR कोड की फैसिलिटी मिलती है, इसको स्कैन करके आप इन प्लांट से रिलेटेड इन्फो जान सकते हैं। अमृत उद्यान 15 एकड़ के विशाल काय क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी विशेष बात है कि यहाँ पे देश और दुनिया के सबसे अनमोल फूलों और जड़ी बूटियों को एक साथ एक स्थान पर लगाया गया है, जो वाकई काफी अद्भुत है। अमृत उद्यान महकता है अपनी बेइंतहा फूलों की खुशबू, और दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी मशहूर है। रंग बिरंगी महकती मनमोहक फूलों की दुनिया का नाम है अमृत उद्यान, जो साल में एक बार आम लोगों के लिए खुलता है। अमृत गार्डन में ट्यूलिप के साथ ही कई किस्मों के गुलाब भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यह विश्व के सबसे अच्छे उद्यानों में से एक माना जाता है। आम लोगों के लिए उद्यान फरवरी से लेकर मार्च के बीच में खुलता है, जहां पर सुंदर फूलों का दीदार कर सकते हैं। अमृत उद्यान देसी ही नहीं विदेशी पर्यटकों का भी पसंदीदा स्थान है। उद्यान में 159 किस्म के गुलाब मौजूद हैं। गुलाब के अलावा ट्यूलिप, गेंदे, डैफोडिल, जलकुंभी और अन्य मौसमी फूल उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं। उद्यान में करीब 50 किस्मों के पेड़, झाड़ियाँ और लताएं मौजूद हैं, जिनमें मौलश्री वृक्ष, गोल्डन रेन ट्री, ताज ट्री समेत कई अन्य शामिल हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैप में देखा था, अमृत उद्यान डिवाइड है 10 पार्ट में, शीशम, हर्बल गार्डन, बॉन्साई गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन, ईस्ट एंड सेंट्रल लॉन, लॉन्ग एंड सर्कुलर गार्डन, फूड कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में। ये था वीडियो का Part-1, जिसमें हमने देखा शीशम और हर्बल गार्डन। मिलते हैं वीडियो के Part-2 में।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।